हाँ बेबी, नहीं जस्ट अभी मेडिकल पे पहुँचा। नहीं सुबह तो जल्दी स्टाफ आते, मैं तो आराम से आता हूँ। हाँ स्टाफ बहुत है, 4-5 बनते हैं। बोलो। हाँ वो मेडिकल पे दवाइयाँ सप्लाई करती, पैसे लिए? रोज शाम को लेते हैं। अरे तुम्हारा बेबी इस मेडिकल इंडस्ट्री का बाप है, पूरे शहर की दवाइयाँ यहाँ से तो सप्लाई होती है अपने। बोलो। हाँ खड़ा हो, ले रूम पे जा, कपड़े पड़े पीछे वाली गली में धोबन को दे के आ। धोबी को दे आऊं तो? धोबन को? अरे बीबी वो धोबन आंटी जी है, जा। जो और हाँ पीछे वाले अलमारी में कच्छे भी पड़े, वो भी ले जा। कच्छे भी धोबन धोएगी? दिन ने किस्मत, सारा कच्छा धोते धोते मारा कच्छा फाट गया। ए तू दे आया? हाँ दे आया। हाँ ठीक है पेंट खोल। ले ए, उसको बोला है इंजेक्शन दे। कवार कहीं का पैंट खोल भाई। भैया यहां पर लगेगी? पैंट खोल, दिमाग मत खराब कर, पैंट खोल। भैया यहां लगा दो, चक्कर नहीं आएगा। हाँ कुछ नहीं, बस मौज कर रहे हैं। बोलो। हाँ ये दो या शाम के मेडिकल पे दिया। पहले तू इस डंडी का फोन काट है? मतलब इस पूजनीय देवी जी तुम्हारी बेबी जी का फोन काट और मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर। ये दो या शाम के मेडिकल पे दिया। हाँ जा रहा हूँ। और हाँ तुम्हारी बेबी के सामने हीरो बनने के चक्कर में हम पे हीरोगिरी मत झाड़, नौकर हूं तेरा, दास ही नहीं। दास? हाँ दास नहीं, दिमाग खराब कर दिया। श्याम जी ये लो दवाई, हिसाब शाम को लूंगा। ओके। बोलो। हाँ बायो टॉपर। यहाँ पर? ये पास वाले मेडिकल पे। जेठालाल? जेठियो जेठालाल। देख भाई यहाँ पर तो तेरी ना कोई इज्जत है और ना ही कोई कैरियर। पता है। वैसे तू यहाँ पे क्या करता है? ए मनोज ये दवाई कौन स्टार्ट करेगा तेरा बात? इधर मत। बोलो। ए बोलो। हाँ आज शाम को पार्टी है। हैं? कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ, डॉक्टर वीरेंद्र भी आ रहे। वाह जेठिया वाह, भगवान तेरे दूधों की तड़ाइयां करे और उनमें तू डूबन मरे। नहीं मतलब भगवान आपके बहुत ज्यादा करे मज्जो, धन धन ज्यादा करे मज्जो, तो मेरे करे थारे नौकर बन। खैर शाम को लिटल 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 मार मार मार। आओ डॉक्टर साहब आओ। बोलो सब रेडी? डॉक्टर साहब नमकीन लो।
एक काम कर, पकोड़े ले गया, मिर्ची ज्यादा और नींबू निचोड़ के। तो नमकीन ले गया। ठीक है डॉक्टर साहब, लून या भूंगड़ा लाऊं? बोलो। ठीक, नमकीन लाऊं। जय माता दी डॉक्टर साहब। जय माता दी सर। आओ सुधीर बैठो। जा बोलू सुधीर के पैक बना। अरे डॉक्टर साहब। अरे पी ले। पैक तो मैं लगाऊं? तो फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी लेके आ भाई। और सुधीर की है? सुधीर पैक बना। की है? नमकीन ले। लून या भूंगड़ा लाऊं? बोलो। ठीक है नमकीन लाऊं। ये सुधीर कौन? सुधीर अपने हॉस्पिटल का वॉचमैन है। पहले भिखारी था, रोडों पे घूमता था, भीख मांगता था। उसके बाद मैंने अपने हॉस्पिटल में वॉचमैन रख दिया, उसकी लाइफ सेट कर दी। बोलो। तो जल्दी थर बाप रो पियो पैग बना। बोलो सुधीर को दबा के पिला। ए बोलो इधर नीचे बैठ यार। हमारी बातों का बुरा मत माना कर, अच्छा बच्चा है, कौन मारेगा? बोलो। ए चुप, मैं बैठा ना तेरा दोस्त। मार, कौन मार? हाँ मार ले। कालू पैग बना। कालू बोलो। के भोलो भोलो दिमाग खराब कर दियो यार। खड़ा हो। नौकर नहीं हूं मैं तेरा। नौकर है? नौकर हूं यार। कालू मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। जेठ ये जैसे बहन के टके के नीचे काम करना पड़ा है मेरे को। कालू जिस तरह तूने सुधीर की जिंदगी बनाई ना, एक काम कर, तू मुझे अपनी गोद ले ले। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। मैं तुझे अपने बाप का दर्जा दूंगा, मुझे अपनी औलाद बना ले कालू। देख बेटा मेहनत कर मेरी तरह, और जो सुधीर जैसे भिखारी लोग हैं ना, जो सड़कों पे घूमते हैं, पैसे मांगते हैं, जो अपनी तुच्छ जिंदगी जीते, उनकी सहायता कर, उनकी जिंदगी बना। क्यों सुधीर? सुधीर साहब बोल, भिखारी है तेरो बाप। इस हॉस्पिटल का मालिक कौन? कालू। सुधीर शाह। ये हॉस्पिटल किसकी वजह से चलता है? सुधीर की वजह से चल रहा है। सुधीर शाह बोल। अरे चुप रे, टोंगे भोंगी है? टोंगे भोंगी बाकी छोड़, भिखारी किसको बोला? ए सुधीर। सुधीर साहब बोल यार, कालिया दिमाग खराब है। हाँ सुधीर साहब बोल। पैक। हाँ जोन मीडिया, अगर हूँ थारो हॉस्पिटल आ छोड़ दो तो तू रोड माथे आ जाएगी। ए सुधीर जॉब से निकाल दूंगा। ये बोलो इलेक्ट्रिक थिएटर।